5, 4, 3, 2, 1, 0. इसरो ने सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mark 3D2 के जरिए देश के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-29 को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। 14 नवंबर बुधवार को GSLV Mark 3D2 को 5:08 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया। 3,423 किलो वजनी GSAT-29 अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला भारत का सबसे भारी सैटेलाइट है। इसके जरिए देश के दूर दराज के इलाकों में लोगों के संचार की जरूरतों के पूरा होने की उम्मीद है। GSAT-29 उच्च क्षमता वाले कूबैंड के ट्रांसपॉन्डर से लैस है। इस उपग्रह के माध्यम से जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी भारत के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस उपग्रह पर यूनिक तरीके का हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है, जिसे GOI नाम दिया गया है। इसे हिंद महासागर में दुश्मनों के जहाजों पर नजर रखी जा सकेगी। इसरो की सफल उड़ान के साथ ही भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिनके पास क्रायोजेनिक इंजन बनाने की अपनी तकनीक मौजूद है। इससे भारत के चंद्रयान 2 और मानव मिशन गगनयान की राह भी आसान हो गई है। रिपोर्ट, न्यूज़ इन साइंस।